इट्स रिव्यू टाइम। अब देखो यार, पिछले 15 दिनों से इस फोन को ना मैं लगातार यूज कर रहा हूँ, और देखो ये 80,000 का फोन है, वीवो X80 Pro, जो वीवो का अभी लेटेस्ट आया था। तो भाई देखो, कैमरा के लिए भाई ये फोन तो वैसे माना जाता है, लेकिन यार आज की इस वीडियो में ना इसका एक क्लियर आपको रिव्यू मिलने वाला है इस फोन के बारे में, कि क्या क्या चीजें मुझे इसमें अच्छी लगी, क्या चीजें अच्छी नहीं लगी। क्योंकि यार देखो, फोन यार 80,000 का, लेकिन सच बताऊं यार, कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस फोन के बारे में जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो मुझे अच्छी लगी। पर्सनली वो चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा जो कि शायद आपको ना, देखो ये बिल्कुल भी बायस्ड वीडियो नहीं होने वाली है। जो चीज़ें अच्छी लगी मैं वो चीज़ें आपके साथ अच्छे से शेयर करूंगा, लेकिन जो चीज़ें मुझे इसमें खराब लगी वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लिया जाए। सबसे पहले अच्छी बातें बात कर ली जाए इस फोन के बारे में। अब देखो यार, जो सच बताऊँ ना भाई, इसकी जो डिस्प्ले मुझे लगी वो काफ़ी सही लगी, क्योंकि भाई ये जो एक्सपीरियंस आपको देता ना, यहाँ पे फिंगरप्रिंट वगैरह यार बहुत तेजी के साथ काम करता, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं लगी। खास और परफॉर्मेंस मुझे कुछ इस फोन में दिक्कत नहीं लगी, लेकिन यार दिक्कत पता है कहाँ पे आती है। मैं ना अभी मतलब 15-20 मिनट से लगातार फोटोज वगैरह क्लिक कर रहा था, और मुझे ना यार यहाँ पे थोड़ा हीटिंग वगैरह का इशू लगा, यहाँ पे थोड़ा हीटिंग वगैरह है इस फोन में। अब देखो यार, यहाँ पे जो इसमें प्रोसेसर यूज हुआ है वो है स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1, जो कि अभी लेटेस्ट नहीं है, अभी स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 Plus आ चुका है। लेकिन यार ये 8 Gen 1 जो वाला, ये थोड़ा हीटिंग वगैरह का इशू लग रहा है। तो ये चीज़ें भाई, थोड़ा फोन वगैरह हीट करता है, लेकिन इतना ज़्यादा हीट नहीं करता, लेकिन हाँ नॉर्मल हीट करता है भाई, नॉर्मल जैसे फोन वगैरह रहना चाहिए वैसे नहीं है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट, यहाँ पे हीटिंग वगैरह का इशू आ रहा है इस फोन के बारे में। और इसका जो यार बैक कैमरा है ना, यहाँ पे आप 8K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी 30 FPS में। लेकिन अगर आप लोग इससे 4K वीडियो रिकॉर्ड करते हो भाई बैक साइड कैमरे से, तो यहाँ पे आप 60 FPS तक रिकॉर्ड कर पाओगे। लेकिन यार एक चीज़ यहाँ पे मेजर इशू लगा, यहाँ पे बहुत थोड़ा इशू है, लेकिन यार यहाँ पे जब आप फ्रंट कैमरे से वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हो, 1080p 60 FPS में रिकॉर्ड हो पा रही है, क्योंकि मैं इसको सेल्फी कैमरे से, यहाँ पे अगर आप लोग सेल्फी कैमरे से भाई रिकॉर्ड करते हो वीडियो, यहाँ पे ना तो आप इसमें 4K सपोर्ट करता, ना 8K सपोर्ट करता, केवल आप 1080p 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। तो यार ये चीज़ मुझे ना कहीं भाई अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भाई जब प्रोसेसर कैपेबल है भाई 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो यहाँ पे 4K रिकॉर्डिंग तो होनी चाहिए भाई फ्रंट साइड। ये चीज़ मुझे कुछ यार पर्सनल बताऊँ तो इशू लगा, बाकी ज़्यादा कुछ यार मेजर यहाँ पे मुझे दिक्कत नहीं लगी इस फोन के बारे में। अगर आप लोग यहाँ पे इसको वीडियो वगैरह के लिए ले रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आपकी वीडियो बिल्कुल भी आज सेक वगैरह नहीं करेगी, बिल्कुल यार आप यहाँ से स्मूथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जस्ट गिम्बल की तरह आप ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ना भाई, यहाँ पे आप लोग ये वीडियो देखो, यहाँ पे बिल्कुल यार मैं चलते फिरते वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग देखो बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा कि मैं यहाँ पे दौड़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ये वीडियो ना अगर नॉर्मल फोन से अगर रिकॉर्ड करता तो बहुत ज़्यादा सेक करती, लेकिन इससे भाई एकदम बिल्कुल स्मूथ वीडियो बनी है। और दूसरी चीज़ यार, सबसे बड़ा मेजर जो इशू लगा मुझे, अब देखो ये ना 80,000 का फोन है, ये आप समझो 80,000 का अगर आप फोन ले रहे हो, उसमें आपको ब्रॉडवेयर भाई दबा के देखने को मिल रहा है, आप इसमें भाई मोज देखोगे, अच्छे अच्छे भाई यहाँ पे ऐसे ऐप्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपने देखी भी नहीं होगी कभी, वो सब यार इस वीवो के भाई एक, ये तो माना जाता भाई एक प्रीमियम फोन, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रॉडवेयर भाई दबा के देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें मुझे काफी मतलब कह सकते हैं भाई काफी ज्यादा डिफेक्टिव लगी भाई इस फोन के बारे में, क्योंकि 80,000 अगर आप लोग किसी फोन में भाई लगा रहे हो, आपको ब्रॉडवेयर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरे में भाई 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं मिला, ये चीजें थोड़ा मुझे आप लोग बोल भाई खराब सी लगी भाई इस वीवो के फोन के बारे में। बाकी यार ये 15 दिन से मैं यूज कर रहा हूँ, और अगर आप मेरा अगर पर्सपेक्टिव मानोगे भाई इस फोन के बारे में, तो मार्केट में यार इससे सस्ते में आप लोग फोन वगैरह देख सकते हो भाई, कोई सेंस नहीं बनता आपको इस फोन लेने का। क्योंकि अगर आप लोग किसी फोन में भाई 80,000 लगा रहे हो, तो आपको कुछ ऐसी चीजें भाई मिलनी चाहिए जो भाई प्रीमियम फील दे, जैसे आप लोग ले लो भाई सैमसंग वगैरह फोन देख लो, लेकिन इसमें भाई ब्रॉडवेयर आपको 80,000 में देखने को मिल रहा है, फिर तो यार कोई फायदा नहीं ना भाई, ये चीजें मुझे खराब सी लगी। बाकी ये छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको और ज्यादा इस पर वीडियो वगैरह देखनी है भाई, क्या टेस्ट करना है, कमेंट करके भाई अपना सजेशन डाल सकते हो। बाकी यार हम मिलते हैं आपको फिर ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।